धरती पर अकेले आए हो और मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ आप अपने आप को जीरो समझो। और माँ बाप हमारे क्या हैं, हमको तैयार किए हैं, खाना पीना खिलाए, पढ़ाए लिखाए, इतना बहुत कर दिए। हमारे कर्म के सपोर्टर नहीं है वो। किसका सपोर्टर नहीं है? कर्म का सपोर्टर नहीं है। कर्म हमको खुद करना है और जो हमारे अंदर में लगन है ना, हम वही कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे अंदर में गुंडागर्दी का कर्म है, लगन है, तो हम उसी में आगे बढ़ेंगे, हम टेक्नीशियन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अगर हमारे अंदर में एसी बनाने का जुनून है, सीखने का जुनून है, तो हम मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर वाले दबाव देते कि नहीं तुम मोबाइल बनाना सीखो, सीख सकते हैं क्या? तो क्या होगा? पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो खुद का सुनिए, अपने आप का सुनिए कि हमको करना क्या है, हमारा आत्मा किस लाइन में जाने के लिए बोल रहा है, हम किस लाइन में, हमारा दिमाग बोल रहा है जाने के लिए। ये अपने आप को पहचानना होता है। हमारे घर वाले जब पूछे कि ऐसे दबाव पड़ता था कि तुम आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, लाम लहकार हो, ये हो, जाओ, तो पता नहीं हमको पढ़ने में भी मन नहीं लगता था और ना ही सुबह दौड़ने में मन लगता था। ठीक है, दोनों में हम गधा थे। लेकिन मेरा मन किस में लगता था? पहला डॉक्टरी लाइन में हमको बहुत मन लगता था। ठीक है, दवा देना, सुई देना, पानी चढ़ाना, ये हम सब कर लेते। कब? जब से मेरा होश हुआ तब से हम सुई दवाई पानी सब करते थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई डॉक्टर, ठीक है, उनका देख के ही सब कर लेते थे। दूसरा, हम लोग के समय में जब बच्चे थे तो रेडियो चलता था, फिलिप्स का, संतोष का, नहीं, रेडियो चलता था, तो पापा रेडियो रखते थे, हल्ला थोड़ा था भी सनसनाता था ना, खोल के उनका सारा बर्बाद। सीखे तो था ही नहीं, लेकिन लगन था कि क्यों सनसना रहा है, मैं इसको ठीक करूंगा। तो ये क्या था? टेक्निकल दिमाग था। तो मैंने अपने आप को पहचाना और सीधा 2003 में कब आया, कहाँ पे आया? मोबाइल बनाना सीखने आया। कब मोबाइल बनाना सीखने आया था? जब 2000, 3000, 200, 300 आदमी में एक आदमी के पास मोबाइल होता था। 2003 में कितने आदमी के पास मोबाइल था? बहुत कम होता था। तो फिर लोग बोला कि अरे यार तू मोबाइल सीख रहा है, मोबाइल किसके पास है? किसी के पास नहीं है। मेरा डायरेक्टर भी पूछा, आज तो हम यहाँ डायरेक्टर हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्टर पूछा कि तू मोबाइल लेने क्यों आए हो? बोले सर आज किसी किसी के पास मोबाइल है, आने वाले समय में हर आदमी के पास एक से दो मोबाइल होगा। मैंने कब बोला था? 2003 में ये बात उनको बोला था। ठीक है, उन्होंने सब लोग ताली बजाया और बोला कि नहीं गलत, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि उस समय 2003 में ही शायद कोई ऐसा देश था जहाँ पे उस टाइप से हो गया मोबाइल। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने आप को अप टू डेट किया। आप यंग हो, यंग को कभी भी बैक वाली चीज नहीं सीखनी चाहिए, जो पीछे की दुनिया चल रहा है उसमें नहीं जाना चाहिए। आपको यंग हो, आपकी पूरी लाइफ बाकी है इस लाइन के लिए, तो आप ऐसा लाइन में जाओ जो आने वाले समय में वो पूरी तरह से मार्केट में रहे। तो आपके लिए अभी एसी बहुत बेस्ट है, क्योंकि अभी दिन पर दिन ये अप टू डेट ही होगा, घटने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला है। लेकिन आप क्या होगा, अप टू डेट करोगे तब तो, आप मेहनत करोगे तब तो। ठीक है, मैं जब 2003 में उनके यहाँ पढ़ रहा था तो वहाँ सेमेस्टर एक साल का कोर्स था, मैंने आठवां सेमेस्टर टॉप किया। उन्होंने बोला कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम इसी में पढ़ाओ, उन्हें पढ़वा, हम मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, तो सुबह में पढ़ाते थे और मतलब सातवां सेमेस्टर पढ़ते थे तो दूसरा तीसरा पढ़ाते भी थे। तो आप उस तरह से बनो भाई, आपको भी बनना है। अगर आपका माइंड टेक्निकल है तो आप कर सकते हो, करो, बस फालतू दिमाग मत लगाओ। फालतू दिमाग, अगर आप सिगरेट पीते हो, आप गलत चीज में लाइन में हो, आप किसी तरह का गलत चीज आप यूज करते हो, तो छोड़ दो, ये तब तक छोड़ दो जब तक आप कोई संघर्ष में आप अपने बेरोजगारी हटा नहीं लेते हो, जब तक अपने पॉकेट में अपने से खुद से पैसा कमा के नहीं रख लेते हो, ये तब तक करो। और आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपका पैर पड़ रहे हैं कि आप उस तरह से मेहनत करिए, आप गलत लाइन में मत जाइए, गलत लोग के सपोर्ट में मत रहिए। गलत लोग इसमें भी है, गलत लोग आपके दोस्त भी है, गलत आसपास में भी लोग हैं, लेकिन आप अपने खुद से लड़िए, दुनिया को छोड़ दीजिए। मेरा गांव में दोस्त बहुत लोग था, आज कोई नहीं है। काय नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है किसी से मिलने का। लेकिन हाँ, वही टाइम निकालते हैं आपके लिए। क्यों निकालते हैं आपके लिए? क्योंकि आप काम करने वाले हो, आप मेहनती हो, और जो काम करने वाला है मेहनती आदमी है, वही मेरा अपना है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा सब कुछ है।
ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। उम्र क्या आपका? अच्छा, ऐसा मन में क्यों आया आपको कि हम इस लाइन में जाएंगे? पापा क्या करते हैं? अच्छा, सैलून है। ठीक है, तो आपको टेक्निक ये ऐसी लाइन में, ऐसी लाइन में है तो आपको कौन समझाया ऐसी लाइन का? भैया कहाँ पे? भैया क्या करते हैं? वो भी अपने काम करते हैं। अच्छा, तो आपका मन था इस लाइन में आने का कि जबरदस्ती भेजा गया है? मन था तब तो बहुत बढ़िया है, आप इसमें लग जाइए। जिसका मन नहीं होगा ना, नहीं करेगा। ठीक है, तो मन लगता है तो आप लग जाइए, और पहला हाथ में आपका कॉपी किताब और दूसरा हाथ टीचर का, चाहे वो टीचर कितनों खराब होगा आगे रास्ता आपको दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने लड़के हैं, जो भी पीछे हैं, सीखे हुए हैं, ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट में फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई बाहरी से सीख के नहीं आया भाई, सब यहीं पे सीखा हुआ है, इसी टीचर से सीखा हुआ है। तो आपके अंदर में किसी भी तरह का निगेटिव पॉइंट है वो हटा दो, और टीचर्स को इस्तेमाल करना सीखो, उनको यूज करना सीखो, उनसे पढ़ना सीखो। ठीक है, किसी तरह का बात फालतू चीज होता है ना, फालतू। इलेक्ट्रीशियन का काम है, एसी का। आप पुराने आपको सीख गया था, मार्केट जा रहे हैं? नहीं, नहीं जा रहे मार्केट। अभी जाने वाले कोई है क्या इसमें? अच्छा, अभी आप ही आए थे कुछ दिन पहले? हाँ, जो मेरे से बात होता था।